क्यू बेसिक के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं एक सीरीज का सम निकालना देखेंगे हम लोग। जैसे सीरीज जो होगा हमारा वो कुछ इस प्रकार से होगा, पहले आपका वन आना चाहिए, उसके बाद में फिर प्लस करना है हम लोगों को वन वन के साथ में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को प्लस करना है इसको वन 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 के साथ में, और उसके बाद फिर हमको प्लस करना है इसको वन 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 के साथ में, और फिर हमको प्लस करना है इसको वन 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 वन, मतलब पांच। पहले एक टू एक आएगा, फिर दो टू एक आएगा, फिर तीन टू एक आएगा, फिर चार टू एक, और फिर आपका पांच टू एक आएगा, ठीक है। तो ये सब का सम करेंगे तो हम लोग को मिलेगा वन टू थ्री फोर फाइव, है ना। इस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है, फोर नेक्स्ट लूप यूज करके। चलिए देखते हैं आप हम लोग प्रोग्राम। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमेशा की तरह हम लोग CLS लिख लेते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे पहला टर्म जो है वो हम लोग ले लेते हैं कि पहला टर्म 1 है, तो f is equal to 1 ले लेते हैं। और सम निकालने के लिए एक वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं जिसका वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू जो है वो हम लोग 0 रखेंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे 4 नेक्स्ट रूप, तो उसके लिए क्या करेंगे 4i equal to 1 to 5, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे s equal to, हम लोग क्या करने वाले हैं s equal to s plus f, पहला जो टर्म है। अब देखिए s का वैल्यू हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे f का वैल्यू, s का वैल्यू नहीं, f का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, f is equal to हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे f को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ में, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग इसमें प्लस कर देंगे 1, तो इससे क्या होगा जो सीरीज है जैसे 1 फिर 11 फिर 111, तो ये आते जाएगा और ये सम होते जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं, आई लिखते हैं, और नीचे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट करा देंगे आपका एस को, और फिर यहाँ पे मैं इसको एंड कर देता हूँ। पहले आप प्रोग्राम देख लीजिए जो हम लोग लिखे हैं वो रिजल्ट हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हम लोग को यही चाहिए था, 1 2 3 4 सबका सम चाहिए था। अगर पैटर्न डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप पैटर्न भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो उसके लिए कहाँ पे पैटर्न डिस्प्ले करवाते, चलिए यहीं पे करवा देते हैं। यहाँ पे मैं print प्रिंट लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं f लिख देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ बीच में अगर हम आपको प्लस साइन देना रहे तो एक काम करिएगा, इन्वर्टेड कॉमा देके प्लस साइन दे दीजिए ऐसा करके, और उसके बाद में फिर सेमी कॉलन दे दीजिए ऐसा करके बच के कॉमा करके, है ना। उसके बाद में फिर इसको रन कराइए, तो देखिए पैटर्न भी दिखा रहा है हमारा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आपका 1 2 5, ये तो ठीक आ रहा है। पहला वाला जो है वो आपका 1 1 दिखा दे रहा है डायरेक्ट, हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, क्योंकि ये जो प्रिंट हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, तो f का वैल्यू चेंज हो जा रहा है इसीलिए 1 नहीं आ रहा है ना। तो ये वाला चीज को हम लोग को कहाँ लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना होगा। देखिए हम लोग यहाँ लिख रहे थे तब तक क्या हो रहा था, f का वैल्यू पहला वाला चेंज हो जा रहा था, तो यहाँ पे हम लोग को अगर लिखते हैं तो 1 भी आएगा, प्रिंट f, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा प्लस, ठीक है। और उसके बाद अभी अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो जैसा हम लोग चाहते हैं वैसे ही आएगा, देखिए आ रहा है। अच्छा अभी जो हमारा आंसर है वो हमको नेक्स्ट लाइन में चाहिए, उसी लाइन में आ जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग प्रिंट लिख देते हैं, और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे रन करवाएंगे तो देखिए आ रहा है 1 फिर 1 1 फिर 1 1 1, तो जैसे पैटर्न चाहिए था, और नीचे में उसका सम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो काम हो रहा है ये कैसे हो रहा है वो भी थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग पहले यहाँ पे देखिए पहले f इक्वल टू कितना लिए हम लोग 1 लिए, है ना। उसके बाद लूप के अंदर में क्या हो रहा था, s इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, s प्लस f लिखे थे। तो इस प्रकार से पहला जो वैल्यू आ रहा था s का वो तो आपका 0 प्लस 1 1 आ जा रहा था, मगर फिर हम लोग ये क्यों किए, मेन समझना ये है, f इज इक्वल टू f को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे 10 के साथ में, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्लस कर दे रहे थे 1 के साथ में। ऐसा करने से हो क्या रहा था देखिए, कि पहले f का वैल्यू कितना था, पहले f का वैल्यू 1 था,
मगर जब हम लोग का लूप हो रहा था तो f का वैल्यू क्या हो जा रहा है, ये आपका 1 into 10 plus 1 मतलब 11 हो जा रहा, जो कि हमारा सेकेंड टर्म था वो मिल जा रहा था। फिर जब ये एक बार हुआ, फिर जब दोबारा ये लूप हुआ, तब f का वैल्यू कितना है अभी 11 है, और ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और फिर प्लस 1 हुआ, तो हम लोग को क्या मिल गया, जो इसका थर्ड टर्म था मतलब 111 मिल गया। उसी प्रकार से जो हम लोग को टर्म चाहिए था, f का पहले 1 चाहिए था, फिर हम लोगों को 11 चाहिए था, फिर हम लोगों को 11 चाहिए था, उससे ये चेंज हो रहा था, जितना बार लूप हो रहा था f का वैल्यू चेंज हो रहा था, और यही सारा वैल्यू क्या हो रहा था, s तो पहले 0 था और उसमें f को हम लोग ऐड करवा दे रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से हमको ये रिजल्ट मिलेगा। अगर ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।